recording is going on. So now, see here everyone, file, new project, Windows Form application, and suppose the name is calculator. Sir, click on. See here, file. Sir, शुरुआत से बताइए. Yes, from the starting only. Click on file, new project. Sir. Then Windows Form application, and here you have to write the name of the project. Here you have to write the name of the project. So calculator exam हम लोग कर रहे थे program. फिर से बता दे रहे आप लोगों को, because that one is only important. Calculator project. Sir, धीरे धीरे बोल के ना. Okay. So write the name. From beginning, see everyone. File. Yes, okay. Sir. Then new project. Click on this. After that, Windows Form application. Windows Form application. After this, then Windows write form, the name. Then write the name. Okay, write the name here in the name section. So this is the name of the project. Suppose calculator. Calculator. Calculator by CMIS student. Calculator by CMIS student. अब ये देखिए naming convention proper नहीं है, ऐसे नहीं है. Calculator या तो हम लोग under quotes देंगे या hyphen देंगे. Calculator CMIS like this. Click on OK. Click on OK. शिवानी लास्ट क्लास किए थे याद है ना, सब कुछ भूल गए हैं. सर याद है. ओके सो माफी यार भैया. सो अब इसको हम लोग यहाँ से ड्रैग कर देंगे, ड्रैग कर देंगे. ये इधर टूल बॉक्स, क्लिक ऑन टूल बॉक्स. अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेटर बनाना. सो कैलकुलेटर में क्या होता है, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, यही सब तो परफॉर्म करते हैं. तो हम लोग पहले लेवल लेंगे. क्लिक ऑन दिस लेवल. अब दो सर, एडिशन सबट्रैक्शन और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो चुका है. लेवल 1 फास्टली बताएंगे, ऑलरेडी मैंने बता दिया. दो प्रोग्राम इसको बताया, टोटल नंबर हो गया. वन स्टूडेंट वन डे एब्सेंट, अनदर डे अनदर स्टूडेंट एब्सेंट, दैट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. सो लेवल में एंटर फर्स्ट नंबर. First number. Here you have to write in the text. This one is what? Label one is one property object. This object का property है. क्या text property है? उसमें मैंने ये लिखा enter first number. क्या enter first number. Now see here enter first number. So see second one. Enter second number. Enter second number. Number. Over. So enter first number. Enter second number. Next toolbox. In the toolbox, go and here is the text box. So two text box. जहाँ पे value हम enter करेंगे. One text box. This one is one text box. Program में हम लोग use करने के लिए इसके ID को change कर देंगे. T1. ठीक है ना? Text box one. Another one is text box two. Text box two. Text box two. Now again here before this text box also this one is what? Text box two. T2 मैंने इसका आईडी दे दिया. ये नेम क्या है, इस ऑब्जेक्ट का आईडी है. नेम जो है ना, इज अ आईडी प्रॉपर्टी फॉर दिस टेक्स्ट ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, आइडेंटिटी है, यूनिकनेस प्रोवाइड कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को. कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट का आईडी ये है. समझ में आ रहा है ना, इस ऑब्जेक्ट का आईडी ये है, दिस वन. ठीक है ना, मैंने बनाया. ठीक है ना, तो दैट फैसिलिटी इज देयर. अब जैसे आधार कार्ड जो है आईडी होता है हर यूजर का, बट यू कैन नॉट जनरेट आधार कार्ड, आप खुद ही नहीं बना सकते हैं. लेकिन ये आधार कार्ड जो हमारा गवर्नमेंट जो है वो नंबर आपको प्रोवाइड करता है. हियर आल्सो दिस सॉफ्टवेयर इज प्रोवाइडिंग द आईडी फॉर एवरी ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट के लिए सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड किया था, बट दैट यू कैन चेंज हियर एज पर योर प्रोग्राम में इसको यूज करने के लिए आप चेंज कर सकते हैं. और स्मॉल नो मैटर हियर.
और दुश्मनी का बटन। आज मैं सोचा था कुछ आगे बताऊंगा तो बटन, अब बटन पे मैं लिखना हूँ ये हमारे पास ऐसा ये प्रो जो है ना ये आउटपुट स्क्रीन है। अब एंटर फर्स्ट नंबर 22, एंटर सेकंड नंबर 33। अब इस पे क्लिक कर रहे हैं अभी कुछ नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ये जो है ना क्योंकि रिजल्ट वाला बॉक्स नहीं है, ठीक है ना। क्लिक कर रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा, क्यों? क्योंकि क्लिक इवेंट होता है, इवेंट होता है। ये विजुअल बेसिक जो है इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग है। इस पे जब तक बटन पे क्लिक नहीं करेंगे, जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स में मैं चाहता हूँ इस पे क्लिक करूँ तो इसका कलर बैकग्राउंड में जो व्हाइट है चेंज होकर कुछ और हो जाए। अगर यहाँ पे क्लिक करूँ, अगर मान लो सपोज यहाँ पे ये एंटर सेकंड नंबर लिखा हुआ, यहाँ पर रहता एंटर योर नेम, अगर नेम मैंने स्मॉल में लिखा तो मैं जैसे ही लिखूंगा और नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक जाऊंगा ऑटोमेटिकली ये स्मॉल जो कैपिटल में चेंज हो। तो ये जो है इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग है। जो क्लिक एक क्या है, इवेंट है। एक बार माउस से ये बटन है, इस बटन पे क्लिक किए तो क्लिक एक इवेंट हुआ, ठीक है ना। विजुअल बेसिक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग है, ठीक है ना। विजुअल बेसिक इज इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग। अब देखिए क्या होता है, अब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो मैं चाहता हूँ जब बटन पे क्लिक हो तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो। क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो? कि ये दोनों का ऐड यहाँ पे कहीं आए, इस पे क्लिक करें तो दोनों का सब्ट्रैक्ट कुछ आए, इस तरह से हम कुछ चाहते हैं, ठीक है ना। मेरा यही रिक्वायरमेंट राइट। दिस वन इज वन बटन। अब बटन मेरा क्या है, यहाँ पे एड बटन हो, ठीक है ना। एड इज वन बटन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सब्ट्रैक्ट बटन रहेगा, ऐसे ही वन बटन और लेते हैं। दो ही हम बताते हैं, बाकी आप लोग सेम रिपीट कीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझना है। सो वन इज बट एड एंड अनदर वन इज दिस वन इज सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना, या प्रोडक्ट एड एंड सब्ट्रैक्ट। डन। तो टू बटन इन देयर। अब मेरा रिक्वायरमेंट यही है, एड पे क्लिक करूं तो ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू है यहाँ पे डिस्प्ले हो, और सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करूँ तो दोनों का वैल्यू डिस्प्ले हो, राइट। अब देखिए मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ उसको, फिर से ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको रन कर रहे हैं ना, ये आपका स्क्रीन दिखेगा, आपको जब सॉफ्टवेयर मिलेगा ना तो ऐसा यही स्क्रीन दिखेगा, ठीक है ना, ये स्क्रीन दिखेगा। अब इसमें एंटर 33, एंटर 77। अब एड पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा, क्यों? क्योंकि इस बटन पे जब क्लिक कर रहे हैं तो अभी मैंने कोई प्रोग्राम नहीं लिखा, ठीक है ना। प्रोग्राम इस बटन के क्लिक इवेंट पर क्या होगा वो चीज मैंने अभी नहीं लिखा, ठीक है ना। इस सब्ट्रैक्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा वो चीज अभी नहीं लिखे है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। क्लियर कम। अब आपको यही प्रोग्राम में लिखना है, ठीक है, एड बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, बटन पे क्लिक किए, ठीक है, एड बटन पे क्लिक किए तो एड बटन के लिए आपको प्रोग्राम इसी ब्लॉक के अंदर लिखना है, ठीक है ना, इसी ब्लॉक के अंदर लिखना है, समझिए। यहाँ पे ये हमारा एड बटन है, बटन पे डबल क्लिक करेंगे, जहां आपको प्रोग्राम लिखना है वो आप कर्सर वहां पे ब्लिंक करेगा, कर्सर वहां पे ब्लिंक करेगा। सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट, नासी एवरीवन। यस सर। सो here I will click on this add button, see the cursor is coming here, that means you have to write the program in this one only, this block only, इसी पे रख लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्लिक करके इसको हम बड़ा कर लिए, ये बाउंड्री लाइन भी है, ठीक है ना। ये देखिए बाउंड्री लाइन सेपरेशन है कि आपको ये फर्स्ट बटन के लिए, यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट बटन के लिए आपको कहाँ जाना है, यहाँ पर, तो कहाँ लिखना है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसको आपको आपका हेडेक नहीं है, सॉफ्टवेयर जनरेट करेगा, आपको उस जगह पे भेज देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको ऐड के लिए प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, ऐड के लिए हमको जहाँ प्रोग्राम लिखना है कर्सर आ गया। अब क्या चाहते हैं, ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स वन है और ये टेक्स्ट बॉक्स टू है, ठीक है ना, इन दोनों का वैल्यू हम यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो कहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, एक लेबल में। लास्ट क्लास में हम टेक्स्ट बॉक्स पे डिस्प्ले कर रहे थे, ठीक है ना, टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले कर रहे थे, याद होगा दीवानी को। तो अभी हम लेबल पे दे रहे हैं,
ठीक है ना, कहीं भी आप दिखा सकते हो। तो इसको हम लेबल को, अभी ये जो लेबल लिखा हुआ है ना, इसको हाइड कर दे रहे, इसमें कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes sir, आ रहा। ये विजिबल नहीं होगा तो आपको दिखेगा नहीं सर स्टूडेंट। तो लेबल हटाते हैं, जस्ट वेट, हम लेबल एक लेते हैं फिर से, लेबल लिए यहाँ पर, ठीक है ना, वो लेबल जो है विजिबिलिटी मैंने हाइड कर दिया था। अब देखिए पहले इस लेबल का मैं आईडी लूंगा, क्योंकि आईडी से ही सब कुछ है। तो आईडी लेबल का मैं सपोज मैं ले लेता हूँ क्या, रिजल्ट, आर एस, ठीक है ना, यस रिजल्ट, आर एस इस लेबल का आईडी ले लिए, क्योंकि हमको यहीं से दिखा, ठीक है ना, तो आर एस मैंने रिजल्ट कर दिया, ठीक है, आईडी। और यहाँ पे जो पहले से लिखा हुआ वैल्यू आ रहा है लेबल को, यहाँ पे रिमूव कर दिया, ठीक है ना। आप देखिए ये हाइड हो गया, रन करेंगे तो ये हाइड हो गया। क्लियर एवरीवन? सर हाइड कैसे हुआ? क्योंकि मैंने वहाँ वैल्यू हटा दिया है ना, अगर वैल्यू लिखते हैं तभी तो बटन ऐड है, इसमें अगर वैल्यू टेक्स्ट में हटा देंगे तो नहीं आएगा, क्लियर? अब वो चीज नहीं दिख रहा है यहाँ पर। क्लियर शिवानी एंड एवरीवन, व्हाई इट इज हाइडेड? अब ये ऐड है, ऐड है ना, अब ऐड यहाँ पर जब टेक्स्ट में हम इसको ब्लैंक कर देंगे, हटा देंगे, तो देखिए ऐड नहीं लिखा हुआ है, जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ना टेक्स्ट में वही आ रहा है। यस सर, ये हम ऐड अभी लिखे थे, ऐड टेक्स्ट को हम अभी ब्लैंक कर दिए, अभी एंटर कर दिए तो आ गया। अब यहाँ पर ऐड को रिमूव कर देंगे ना, ये जो बटन पे ऐड जो लिखे है टेक्स्ट प्रॉपर्टी में, ब्लैंक कर दिए तो नहीं आएगा। पॉइंट इज क्लियर है ना? मुझे क्या है ना, इनिशियली वो दिखना नहीं चाहिए, इसीलिए हम इसको क्या किए, यहाँ पे एक लेबल लिए हैं, लेकिन इनिशियली उसको क्या कर दिए, उसके टेक्स्ट वैल्यू में मतलब हटा दिए, उसको ब्लैंक कर दिए, ठीक है ना। पॉइंट क्लियर? वो ऊपर रहेगा प्रोग्राम में लिखेंगे। यस क्लियर एवरीवन? क्लियर? क्लिक करें ऐड पे। अब हम लोग प्रोग्राम में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स वन को कैसे एक्सेस करते हैं, T1, T1 मतलब टेक्स्ट बॉक्स वन, ठीक है ना। अब टेक्स्ट बॉक्स वन में डॉट टेक्स्ट वैल्यू जो है उसको मैंने क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया यहाँ पर, और प्लस T2 डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स टू टेक्स्ट, T2 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर लिया, अभी RES dot text, this dot text equal to this, समझ में आ रहा? Yes sir. मतलब text box ये जो text box में जो value डालेंगे और इस text box में जो value डालेंगे, वो दोनों को हम add कर रहे हैं, दोनों को add कर रहे हैं, और उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे invisible जो label बन रहे थे वहाँ पे उसको हम display करा रहे हैं, रन करेंगे। नाउ सी एवरीवन, एंटर फर्स्ट नंबर 22, एंटर सेकंड नंबर 44, नाउ क्लिक ऑन ऐड, हियर समथिंग इज कमिंग, करना 22 44, यस ये 22 20, यस सर 44 यहां पे डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन ऐड पे क्लिक किए तो ऐड आना चाहिए, मतलब 66 आना चाहिए, ठीक है ना। अब ये कैसे होगा, सी अब ऐड पे गए, ऐड पे जाएंगे ना, ऐड में जाए, अब ये क्या है, सारा सब कुछ बताए हैं, अब डायरेक्ट करते हैं, वैल फंक्शन का यूज करेंगे। वैल फंक्शन क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा नंबर में, ठीक है ना। सारे लोग न्यूमेरल वैल्यू, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, ऑलरेडी दी थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन, सारा बता चुके हैं, ठीक है ना। अभी ने क्या किया, सारे को ये जो है अब नंबर में कन्वर्ट हो गया, और ये भी नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए अब इसको रन करेंगे प्रोग्राम को। एवरीवन, ना सपोज हियर 77, हियर 88, क्लिक ऑन दिस ऐड, 165 वी आर गेटिंग, अब ये 165 आ रहा, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन जो मैं दिया हूँ ना, कैलकुलेटर का ही प्रोग्राम लिखा है विथ यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट,
अब ये समझ में नहीं आ रहा है, एंड यूजर जो है उसको समझ में नहीं आएगा अगर यहीं पे एक मैसेज लिख दे कि सम ऑफ 77 एंड 88 इज 165, तो ये मोर क्लैरिटी रहेगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन में प्रॉब्लम कब होता है, जब कुछ मैसेज नहीं लिखा रहेगा ना तो यूजर को समझ में नहीं आता, इसीलिए हम लोग हमेशा मैसेज प्रॉपर लिखते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग मैसेज कैसे इसमें ऐड करेंगे वो बता रहे हैं, तो क्लिक ऑन दिस ऐड। अब क्या करेंगे, मैसेज हम लोग जनरेट कर, तो लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, कमेंट कैसे करते हैं, इसको कर दिए तो ये कमेंट हो गया, मतलब अभी जो लिखे वो सिर्फ दिख रहा है, एग्जीक्यूट होगा तो कुछ नहीं आएगा, पॉइंट बताए थे ना। अभी ये कमेंट हो गया, ये हमारे लिए सिर्फ अपने लिए है, ये लाइन जो लिखा हुआ ना एग्जीक्यूट नहीं होगा, पहले एग्जीक्यूट हो रहा आउटपुट आ रहा था, अभी देखिए किसी चीज को तो नहीं आते, समझ लीजिए। स्टॉप पे गए, रन किए, अब 77 89, अब ऐड पे क्लिक किए तो कुछ नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि जो भी प्रोग्राम लिखे थे उसको कमेंट कर दिए, उसको एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, कंपाइलर के लिए कुछ नहीं है ब्लॉक में, क्योंकि जो भी लाइन लिखे थे वो कमेंट हो चुका है, सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक मैसेज लिख रहे हैं, और ये थे यहाँ से कॉपी किए थे, आप ये डॉट टेक्स्ट में क्या लिख रहे हैं कि सम ऑफ ये जो भी ये वैल्यू आएगा, ठीक है ना, आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं, ठीक है ना, सम ऑफ दिस वैल्यू, सम ऑफ दिस एंड दिस, सम ऑफ जो भी ये टेक्स्ट बॉक्स वन में लिखिएगा वो वैल्यू, सो दिस वन प्लस सम ऑफ दिस एंड सम ऑफ 5 एंड अभी बता रहे हैं, धीरे धीरे बता रहे हैं सारा, तो सी यार वन बाई वन अगर कीजिएगा ना तो तभी जाके क्लैरिटी आएगा, तो सी यार नॉर्थ एंटर ईयर वैल्यू 55 44, ना क्लिक ऑन दिस एड, तो सम ऑफ 55 एंड 44 इज कमिंग, बट आंसर नहीं आ रहा बिकॉज आई हैव नॉट रिटेन, सो सी हियर, हां यस सर, एड, तो सम ऑफ दिस एंड दिस आई वांट प्लस इक्वल टू, अब ऐसे ही ना इक्वल टू ये आना चाहिए वैल्यू में, ठीक है, अब हम क्या करेंगे प्लस, अब हम इसको str, यहाँ से मैं कल बताए थे फिर एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, CLTR, इस फंक्शन का यूज करेंगे और हम लोग क्या करेंगे इसको कन्वर्ट कर देंगे, ये वैल्यू जो आएगा ना वैल्यू को डेसिमल से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, क्यों करेंगे सारा कल प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं, ठीक है ना, यस सर, यस ऑनलाइन में कितना प्रॉब्लम है आप लोग देख सकते होंगे, एज फ्रॉम मीन नॉट फ्रॉम द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम दिस स्विचिंग एक टाइप से अनदर टाइप, तो सी यार 22, नाउ क्लिक ऑन ऐड, तो सम ऑफ 33 एंड 22 इज इक्वल टू 55, इट कम्स और नॉट, यस सर, तो इन द होमवर्क, अब होमवर्क में क्या है, अब देखिए ऐसे ही सम के लिए मैंने लिखा, ऐड सबट्रैक्ट के लिए भी लिखना है, ठीक है ना, सबट्रैक्ट के लिए क्या करेंगे, क्लिक करेंगे ऐसे ही और कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना, इसको कॉपी कर लेना, कैसे कॉपी होगा, कॉपी करते हैं होमवर्क के लिए, क्या चीज, ये पूरा जो आप प्रोग्राम लिखवाए बस उसको कॉपी कर लें, जैसे अभी बता रहा है क्या करना है आपको, कॉपी में कैसे लिखना है, ठीक है, अब सबट्रैक्ट के लिए मुझे लिखना है तो सबट्रैक्ट पे क्लिक किए और यहाँ पर कंट्रोल भी कर दीजिए, कुछ नहीं करना, कैसे किए फिर से देखिए ध्यान से, ये जो है ना ये लाइन हमको कॉपी करना है यहाँ से, ये जो एंड पर कॉपी करना है, टोटल कैसे कॉपी होगा, लाइन ये पूरा लाइन कॉपी करना है, कैसे करेंगे, शिफ्ट
शिफ्ट होम, शिफ्ट होम कीबोर्ड में हमारा शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस होम कंट्रोल होम। सर शिफ्ट प्लस होम से कॉपी होता है। वेट वेट एवरी एडिटर इंटर वाट एडिटर एवरी एडिटर कॉपी कर सकते हैं। ओके दैट वन आल्सो यू कैन यूज दिस वन कॉपी कर लिया और यहां पर आकर पेस्ट कर दिया ठीक है क्योंकि अब लिखना नहीं पड़ेगा अब देखिए आपको इसमें क्या करना है ये सबट्रैक्ट का एक्चुअली प्रोग्राम है। सबट्रैक्ट पे क्लिक किए देखिए सबट्रैक्ट का प्रोग्राम है ठीक है ना। तो यहाँ पे सम की जगह क्या लिखेंगे डिफरेंस डिफरेंस वेरी गुड डिफरेंस डिफरेंस ऑफ एंड दिस इक्वल टू मेन मेन वहां पे माइनस कर देंगे राइट। अब इसी प्रोग्राम को रन करेंगे यहाँ पर क्लियर सेम प्रोग्राम वी विल रन from here this 66 88 now click on subtraction difference of 66 is 66 and 88 minus 22 now click on add sum of 66 and 88 is 154 right or wrong? Yes sir right sir right। देखिए अब ये हो गया आपका कैलकुलेटर का प्रोग्राम। अब आपको करना क्या है ये एक बटन बनाइएगा वही बता रहे हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड अभी बता रहे हैं होमवर्क में क्या करना होमवर्क 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 डाई सेट होमवर्क तो क्लियर। आपको होमवर्क जब करना है ना तो कैसे करना है वो बता रहे हैं प्रॉपरली क्लियर। यहाँ पर आप एक कॉपी में लेबल ऐसे लिखिएगा एंटर फर्स्ट नंबर ये एक बॉक्स बनाइएगा टेक्स्ट बॉक्स ये पहले आप लोग सुनिए पहले सुनने का कोशिश कीजिए लिसन माय ऑल द स्टेटमेंट कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रहे हैं पहले सुनिए आप क्वेश्चन मत कीजिए टोटल मैं बता रहा हूँ कैसे करना है होमवर्क। तो पहले आपको क्या करना है कॉपी में इसको लिखना है एंटर द फर्स्ट नंबर एंटर द सेकंड नंबर ये टेक्स्ट बॉक्स को बनाना है उसके बाद ये बटन बनाना है ऐड के लिए सब्ट्रैक्ट के लिए मल्टीप्लाई के लिए डिवीजन के लिए राइट ये चार बटन बनाइएगा। अब देखिए बटन में बनाने के बाद इतना तो जो भी ब्रेनलेस भी होंगे कर लेंगे जिनका दिमाग नहीं भी काम करता है उतना कर देंगे। अब इसके बाद ऐड के लिए प्रोग्राम कैसे लिखेंगे ये है एड के लिए प्रोग्राम जो है आपको ये लिखना है ये कॉपी कर देंगे यहाँ पे शिफ्ट प्लस सॉरी मैंने अभी बताया था ना इसको कैसे कॉपी करेंगे शिफ्ट एंड है शिफ्ट प्लस एंड कीबोर्ड में ठीक है ये शॉर्टकट होता है याद करने का जरूरत नहीं है ठीक है। अब आपको एड के लिए यही लिखना है इतना लिखना है मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ ये ग्रुप में शेयर कर देंगे अभी एड के लिए आपको सिर्फ ये इतना लाइन लिखना है बुक से इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है ठीक है ना ये दिस वन यू हैव टू राइट फॉर द एड ठीक है ना एड के लिए यही लाइन आपको लिखना पड़ेगा इतना आप लिखते हैं तभी आपका आंसर सही रहेगा। तो दिस वन फॉर एड एड बटन जो होगा ना उसमें एक एरो दे दीजिएगा और भेजिएगा कि ये एड के लिए प्रोग्राम डी2 यहां पर है डी2.txt सर हटा दिए क्यों यू हैव टू राइट फॉर द एड एड के लिए आपको ये ऊपर वाला लिखना है सारा दे दे रहे हैं ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कॉपी पेस्ट करने में मजा आ रहा है क्लियर। सबट्रैक्ट के लिए यहाँ पे सिर्फ आप लिखिएगा मैसेज के डिफरेंस डिफरेंस यस सर और यहाँ पर चेंज हो जाएगा प्लस के जगह माइनस कर दीजिएगा माइनस ये आपका सबट्रैक्शन के लिए कोड हो गया इसको कोड बोलेंगे प्रोग्राम बोलेंगे ठीक है ना डिवीजन का लॉजिक है ये एड के लिए ये लॉजिक आपको लिखना पड़ेगा सबट्रैक्ट के लिए ये लॉजिक लिखना पड़ेगा ठीक है ना। सर फिर हटा दिए नहीं तो आपका दिमाग काम नहीं करता यूज योर ब्रेन
already everything I have explained. समझ में आ गया तो लिखना क्या है, कभी भी लिख सकते हैं. This attitude should be there with the student. Try to. Yes, sir. There is no need to copy paste every time. अगर copy paste ही करना है तो ये program कर लीजिएगा, अगले program change कर दो तो कैसे कीजिएगा, ठीक है ना. यहाँ पे sum के लिए sum रहेगा और यहाँ पे difference को this one is difference of multiply और यहाँ पर division. यही लिखना. अब इससे पहले आप लोग बताइएगा, इंटरनेट से आप लोगों ने बड़ा बड़ा हिस्ट्री कॉपी करके आंसर भेजा था, सब कुछ गलत था. कोई एक पैसा जो बोलते ना, इसे बोलते रस्सी पर भी नहीं था. सारे 90% स्टूडेंट यही किए थे, इंटरनेट से गए कॉपी करके पेस्ट कर दिए, इंटरनेट कॉपी किए थे. स्टूडेंट बट स्टिल आई हैव गिवन द मार्क्स बिकॉज माई पॉइंट इज व्हाट Whether the students are able to understand or not, individually आप work कर सकते हैं कि नहीं, ये रटने का जो चीज नहीं है कंप्यूटर में, आप रट नहीं सकते हैं. अब today only I got stuck in class seven में नहीं stuck हो गया, because रट नहीं सकते हैं, तो practical based है, ठीक है ना. तो उसको हम लोग solve करेंगे. Previous class में हम मुझे ही नहीं पता था कि ये होगा, तो change करने के लिए practice करना पड़ेगा, ठीक है ना. और बेसिकली है लॉजिकल, आपका थिंकिंग प्रोसेस सही रहेगा तो आप कुछ कर सकते हैं. 10 मिनट के लिए अटक जाइएगा, लेकिन फाइनली यू कैन डू. बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो दीज आर वाज द प्रोग्राम, ओनली दीज लाइन यू हैव टू राइट. यही है, इतना ही आपको लिखना क्लियर, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है. नेक्स्ट वाली चीज आपको आज करना है क्या, आप एक बटन बनाइएगा, ऐसे एक बटन बना लीजिएगा एड के लिए. यहाँ पर एक बटन सब्ट्रैक्ट, एक बटन दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ पर एक और बटन दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट का एक बटन रहेगा, ठीक है ना. यहाँ पर आप मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट हो गया, ऐसे ही मल्टीप्लाई का एक बटन लेते हैं. सारे लोगों को पॉइंट क्लियर है ना, सब्ट्रैक्ट हो गया मल्टीप्लाई. अब तो ऐसा नहीं ना क्या होमवर्क है क्या होमवर्क है, बट स्टिल स्टिल स्टूडेंट्स आर एब्सेंट. अब जो एब्सेंट रहेंगे तो उसको तो मैं क्या कर सकता हूँ, भगवान भी नहीं बचा सकते हैं. वो होमवर्क एज इट वो इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करेंगे. सब पढ़ने का मन रहेगा तब ना आएगा. तो सी दिस वन इज डिवीजन. तो हियर अब आपको करना क्या है ना, एरो से यहाँ पे आपने बना लिया, इसके ऊपर इसके ऊपर आपको क्या करना, ऑलरेडी मैंने पहले लिख दिया था इसलिए नीचे लिख रहा हूँ. यहाँ पर आप लिखिएगा एंटर, कॉपी में एंटर फर्स्ट नंबर, ऐसे ही आपको बनाना है. कोई देखे तो बोले कि हाँ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना. एंटर फर्स्ट नंबर, अब यहाँ पे आप एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स बनाइएगा. कोई कॉपी भी देखे तो बोले हाँ, ठीक है ना, ऐसे टेक्स्ट बॉक्स रहेगा. कितने बार मैं शुरू से यही बताता हूँ, मार्क्स जो है मैटर नहीं करता है, ठीक है ना. तो दिस वन इज द सेकंड बटन एंड हियर. अब ये दोनों को बनाने के बाद यहाँ पे एड सेपरेट मल्टीप्लाई डिवीजन बटन बनेगा नीचे में, समझ रहे ना. अब आपको क्या करना yes, है, उसके बाद आपको करना क्या है, ये ऐड बटन के लिए आप ऐसे एरो दीजिएगा कि ऐड बटन का ये कोड है. ऐसे आप मतलब कन्वीनियंस जो भी होगा आपका उस हिसाब से आप ऐसे कीजिएगा कि ऐड का मेरा ये है लॉजिक, सबट्रैक्ट का मेरा लॉजिक ये है, ये है ना, मल्टीप्लाई yes, का ये है और डिवीजन का लॉजिक ये है. क्लास करेगा नहीं तो क्या करेगा, क्लास नहीं करना तो क्यों भेज रहे हैं, जो क्लास नहीं करेगा. यस सर, यस सर,
पर मत भेजिए। ओके पढ़ना नहीं है कुछ है नहीं बस होमवर्क मांगते रहता। यस सर। So if you all are requesting that I will not send. Now see here everyone. So next one is so here see. अब मेरा जो प्रोग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट वो सब मैं बता दिया हूँ। अब आपको क्या है ना कलर करना है सब कुछ कलर करना है जैसे कलर करेंगे वो बता रहे। अब हमारे पास सपोज आई वॉन्ट टू कलर तो हमारे पास अब ये टेक्स्ट बॉक्स है ठीक है ना ये हम ऐड बटन है ऐड बटन को सेलेक्ट किए चेक किया समवेयर सम कलर विल बी देयर प्रॉपर्टी समवेयर सम प्रॉपर्टी इज देयर फर्स्ट सेलेक्ट दिस वन। अभी मैंने फॉर्म सेलेक्ट किया सी यार फॉर्म सेलेक्ट किया फॉर्म वन दिस फॉर्म इज सेलेक्टेड सी यार एवरीवन इन दिस फॉर्म one color is there back color so now I am changing the color of this form attractive color are not there but still see what the form color is changed so yes sir okay na I have yet label ko select kiye label ka color change karna hai so label ka background color change karna hai so here this one टेबल का बैकग्राउंड कलर ये प्रॉपर नहीं है कुछ और लेते हैं तो यही अब आपको करना है समझ रहे हैं ना अब आपको कुछ करना नहीं है आपका सब कुछ कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका आप जस्ट ये डिजाइन पोर्शन है ठीक है ना बोर्ड आई वांट टू मेक दिस वन बोर्ड एंड दिस वन सपोज साइज 18 नाउ क्लिक ऑन ओके नाउ सी अब ये क्या हुआ अट्रैक्टिव लुक हो जाएगा समझ में आ रहा यस सर एम इज व्हाट आपका प्रोग्राम प्रॉपर्ली वर्क होना चाहिए सो दैट वन इज वर्किंग बट नाउ आवर एम इज व्हाट नॉट राइट टू अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर हम लोग फाइनली बना रहे हैं तो सॉफ्टवेयर का एम क्या होता है हम लोग कुछ भी बनाते हैं किस चीज के लिए उसको मार्केट में सेल करने के लिए और मार्केट में वही बिकता है जो दिखता है तो कलर इसका सही नहीं रहेगा जो दिखेगा अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा तो पब्लिक जो है ना वो नहीं खरीदेगा पूरे यहाँ पे आपको पता है कि क्या लिखा हुआ बैकग्राउंड में क्या लिखा हुआ पब्लिक को सिर्फ ये दिखेगा एवरीवन सो दिस वन आल्सो सेलेक्ट दिस वन एवरीवन एंटर सेकंड नंबर हम पे यार सेलेक्ट हियर फॉन्ट फॉर दिस मेक इट बोल्ड साइज आल्सो फ्रॉम दिस सी द सेंटर द सेकंड नंबर एंड दिस आल्सो मेक द कलर ऑफ दिस वन आल्सो दिस वन इज बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर सी सेलेक्ट दिस वन गो टू कस्टम एंड दिस कलर आई हैव सेलेक्टेड दिस कलर नाउ सी द कलर इज मोर अट्रैक्टिव और नॉट यस सर यस सर यस आप लोग फॉन्ट कलर काम यही है कि होमवर्क तो दे दिए अगले बार से कुछ और आप लोग को जो भी ये बता देंगे और चैप्टर अगर कुछ और डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा बताएंगे और आगे भी दो तीन क्लास अभी करा देंगे बहुत सारा इसमें है नियरली इसको कवर करने में 6 months to 1 year इज नॉट सफिशियंट 6 महीना से 1 year भी सफिशियंट नहीं है सो अभी भी मैंने 10% जो आपके बुक में जो दिया है 2% मैंने 10% पढ़ाया बुक में जो दिया 2% है मैंने 10% पढ़ा दिया 90% इज स्टिल पेंडिंग पेंडिंग मींस योर एज पर योर सिलेबस इज नॉट पेंडिंग
So, bye everyone. We will discuss the remaining. Thank you, sir. Homework. Thank you, sir. One request from my side. Sir. मैं जो एफर्ट दे रहा हूँ हम लोग फाइनली एक कैलकुलेटर टाइप का प्रोजेक्ट बनाएंगे. अभी ये डिटेल नहीं हुआ और उसमें अलग अलग पेज ऐड करते हैं. ठीक है, अभी हम लोग जो भी किए हैं ये क्या है, सब कुछ हियर थी. जैसे बुक में पेजेज होता है ना, तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमने प्रोजेक्ट का नाम दिया कैलकुलेटर सीएमएस, लेकिन ओनली वन पेज आई है.